नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंकिंग के बदलते हुए रूल्स की एक अपडेट देने वाला हूं। अगर आप पासबुक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो आपकी जेब पर एक भारी खर्चा पड़ने वाला है जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रूल बदल रहे हैं। दोस्तों आजकल हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम जब भी जाते हैं किसी शॉप पे तो डायरेक्टली पेमेंट वहां पे कर देते हैं। तो ऐसे करके हमारे अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो काफ़ी सारी हो जाती हैं। और इसके चलते जब भी आप अपनी पासबुक को लेके बैंक में जाते हैं और एंट्री करवाते हैं तो आपकी जो पासबुक है वो एक बार में ही भर जाती है। आपको कई सारी पासबुक इसके लिए लेनी पड़ती हैं। तो बैंक अब तक आपको पासबुक एकदम फ्री में इशू करता था, लेकिन 1 अप्रैल से आपको पासबुक के लिए 80 से 100 रुपये पर कॉपी आपको देने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है अमाउंट कि आप कौन सी बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी बैंकों में जहाँ तक आपको 80 रुपये लगेंगे और प्राइवेट बैंकों में आपको 100 रुपये तक लग सकते हैं आप जब भी नई पासबुक इशू कराते हैं। अगर आप पासबुक का इस्तेमाल करते हैं और फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो आपको जो है हर महीने में 2-3 पासबुक तो आपकी भर जाएंगी। तो आपका जो है नुकसान यहाँ पे हो जाएगा अगर आप पासबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि फोन पे का भी वॉलेट होता है और आपका पेटीएम का भी वॉलेट होता है। तो आपको जब भी कोई ट्रांजैक्शन फोन पे और पेटीएम से करनी है तो आप फोन पे के वॉलेट में या पेटीएम के वॉलेट में एक बार में ही पैसा ऐड कर लें और उससे आप पेमेंट करें तो आपको यहाँ पे ज़्यादा आपके ट्रांजैक्शन नहीं बढ़ेंगे आपके अकाउंट में और आपकी पासबुक भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। और आप इस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं। अगर आप पासबुक का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कभी पासबुक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई, जब भी आप एंट्री कराएंगे तो काफ़ी सारी एंट्रियाँ आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगी जिसके लिए काफ़ी सारी पासबुक भर जाएंगी और आपको उनका चार्ज लग सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पेटीएम के या फोनपे के वॉलेट में ऐड करके तब ट्रांजैक्शन करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।